हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपरमिंट के फ़ायदे के बारे में कि इस पीपरमिंट के पौधे में जो है कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण होते हैं। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको माउथ अल्सर है, मुँह में छाले आ गए हैं, तो उस कंडीशन में इसकी पत्तियाँ बहुत ही लाभकारी होती हैं। यदि आप इसकी 2-3 पत्तियाँ तोड़ करके सुबह में जो है खाली पेट इसको चबाते हो, तो आपके माउथ में यदि अल्सर हैं, छाले आ गए हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। और यदि आपको मुँह में पायरिया जैसी कंडीशन हो गए हैं, पायरिया जैसे रोग हो गए हैं, पायरिया के कारण क्या होता है, कभी कभी मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, तो भी पायरिया जैसे डिजीज़ भी प्रॉपर जो है ठीक होने लगते हैं। यदि आपको सर दर्द बना रहता है, एंजाइटी होता है, तो भी जो है इसकी पत्तियां काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होती है। यदि आपको सर दर्द होता है तो इनकी पत्तियों को पीस लेना है, और पीसने बाद जो है आपको सर पर थोड़ा सा मसाज कर लेना है, जिससे आपको बहुत ही जल्द सर दर्द में आराम मिल जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि यदि आपके दाँतों में पेन हो रहा, दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में भी जो है इसकी पत्तियाँ काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसकी 2-3 पत्तियाँ जो है आपको उन्हीं दांतों से चबानी है जिन दांतों में जो है आपको पेन हो रहा होता है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब आप गर्मियों में घूम रहे होते हो तो आपको लू लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी पत्तियों को आपको तोड़ना है, तोड़ने के बाद जो इसको पीस लेना है, पीसने के बाद इसमें से थोड़ा सा जो है पानी भी मिला देना है, और इसके बाद आपको अपने पूरी बॉडी पर मसाज करना है, जिससे जो है आप यदि आपको लू लग गई है तो लू भी प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपके पेट में जलन होता है, अपच की समस्या होती है, तो भी जो है आप इनकी पत्तियों का यूज कर सकते हैं। सुबह में खाली पेट जो है इसको चबाना है, जिससे जो है यदि आपके पेट में जलन महसूस होता है और पेट में अपच की समस्या बनी होती है, तो भी बेसिकली जो है वो ठीक होने लगता है। कभी कभी लोगों को क्या होता है कि उनको इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, उसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं, जिस कारण जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पेट में पेन भी होता है। तो यदि आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो भी इनकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा आपको आराम देती हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।